awesome, impossible people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, I'm in Ranikhet and it's snowing outside. मतलब अभी बर्फ इतनी शुरू हुई है. एक्चुअली काफ़ी टाइम से गिर रही थी, रुक रही थी, मतलब हवा बहुत चल रही है ना, तो मैं सोची थी व्लॉग करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में था अगर स्नो करेगी ओनली देन आई विल व्लॉग. सो इट्स स्नोइंग नाउ एंड आई एम सो एक्साइटेड. मतलब मैं आई कॉन्ट वेट कि वो बर्फ़ इकट्ठा हो और मैं स्नो मैन बनाऊँ और स्नो एंजल बनाऊँ. वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट स्नो एंजल बिकॉज बहुत ठंड है. मैं अभी बाहर गई थी जस्ट टू यू नो सी एंड वो क्लिप लेने के लिए, ऑफकोर्स यू नो यूट्यूबर्स लाइफ, तो वो लेने गई थी मैं और मेरे हाथ जम चुके हैं. यू नो आई कॉन्ट फील माई हैंड्स एंड मैं अभी लिटरली अपने ना ये छोटी सी खिड़की है देखो यहाँ पे खड़े होके मैं ये इंट्रो अपना फिल्म कर रही हूँ बिकॉज वरना अंदर इतना अंधेरा हो रखा है, लाइट नहीं है. और या गाइस आई एम सो एक्साइटेड. कल की भी पोस्टर अगर कुछ मज़ेदार होगा. फिलहाल आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट. So yeah. So guys, this is what I'm having for my breakfast. This is upma. मैंने बहुत सारी vegetable डाली हैं इसमें. As you can see, इसमें capsicum है, इसमें beans हैं, गाजर है, प्याज है और टमाटर है. And I love it. So I'm gonna have it now. And you tell me whether you like it or you hate upma, because मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उपमा बिल्कुल पसंद नहीं है. So I would like to know आप लोगों का क्या विचार है उपमा के बारे में. हेलो एवरीबॉडी, मैं अपने घर के अंदर आ चुकी हूँ. बहुत ठंड है और आई नो आई एम एंजॉयिंग अ कप ऑफ हॉट टी. दर्शकों, जैसे कि आपने पिछली क्लिप पे देखा दैट आई वाज एंजॉयिंग माय हॉट कप ऑफ टी जो कि खत्म हो चुकी है और कुकर की सीटी भी बज गई थी क्योंकि मैंने दाल चढ़ा रखी थी क्योंकि दोपहर का समय है और इट्स टाइम फॉर लंच. तो मैं लंच बना रही थी, मेरे पति देव थोड़ी देर में आते होंगे सो हम साथ बैठ के लंच करेंगे. आज का मेन्यू है क्या, दाल चावल एंड सब्जी. सो दैट्स व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाट आई लाइक, सो दैट्स व्हाट आई मेक हिम ईट. सो या दैट्स दैट. उसके अलावा ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है. जैसा कि आपने देखा होगा पिछली क्लिप में कि हम बाहर में बहुत हीरोइन बन के घूम रही थी बट मेरे हाथ जम चुके थे. लाइक मैं अंदर आई एंड मैं सीधे अपने बेड के अंदर घुस गई, मैंने अपना कम्बल लिया और मैं सो गई. साथ में लियो मैक्स को लिया, बेचारे वो भी ऑफकोर्स उनको भी ठंड लगती है तो उनको भी लियो मैक्स के साथ ऐसे हग करके. यू नो अगर कभी ट्राई नहीं किया, इफ़ यू हैव डॉग्स, अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा कि उनको हग करके आप सोओगे ना तो उनकी बॉडी में हीट इतनी अच्छी होती है ना, आपको भी आप भी गरम गरम हो जाते हो. सो या सो हमने मतलब हाफ एन आवर की हमने नैप ली होगी, थोड़ा हमने अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म किया, फिर मैं उठी, फिर मैं अपना लंच बनाने लग गई क्योंकि लंच मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा. सो या बट बहुत ठंड है यार. मतलब दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम कि मैंने स्नोफॉल देखा है. मैंने पहले भी देखा है. आई माइट साउंड अ बिट फैंसी बट या जब आई यूज टू फ्लाई तो ऑफकोर्स टोरंटो में स्नोफॉल होती थी, लंदन में, एम्स्टर्डम में, यहाँ सब जगह स्नोफॉल होती थी तो मैंने यहाँ पर देखा है, राइट. एंड मैंने शिमला में भी देखा है. सो दिस इज नॉट लाइक मैंने स्नो देखे, स्नोफॉल होते नहीं देखा. या मैंने स्नो देखी है बट स्नोफॉल नहीं देखा है. सो स्नोफॉल इज माई फर्स्ट टाइम बट स्नो तो देखी हुई है मैंने. सो अगेन आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई वॉज एक्चुअली ईगली वेटिंग बिकॉज सब लोग बोल रहे थे कि लास्ट ईयर इतना स्नोफॉल नहीं हुआ रानीखेत में बट इस साल होगा, मतलब अगर ऑल्टरनेटिव ईयर होता है. आई वॉज लाइक ये सो ठंड जाने का मतलब टाइम हो गया ना अभी, लाइक इट्स जनवरी फेब्रवरी हो गया अब तो मुझे लगा यार अब नहीं होगी तो कब होगी, मतलब इस साल तो होगी नहीं होगी बट फाइनली स्नोफॉल हो गई है. एंड इफ यू गाइस आर वंडरिंग व्हाई आई एम लुकिंग
देयर बिकॉज मैं अपनी खिड़की के सामने बैठी हूँ और आई कैन सी ऐसे स्नोफॉल एकदम ना ऐसे कॉटन की तरह ऐसे ऐसे स्नोफॉल हो रही है. सो या दैट्स दैट एंड व्हाट एल्स, ठंड बहुत लग रही है जैसे मैंने बताया. एंड यार कुछ नहीं यार, बस बैठी हुई हूँ मैं. ऑल्सो माई स्किन आई डोंट नो बहुत पेल सी हो गई है, इफ़ यू कैन सी नो कलर. लाइक मैंने लोगों को देखती हूँ ना कि गाल ऐसे लाल लाल हो जाते हैं ठंड की वजह से ना, नाक ऐसे लाल लाल हो जाती है. मेरा तो मुझे लगता है खून ही नहीं है मेरे अंदर. क्यों मतलब व्हाट इज दिस? आई थिंक पतिदेव आ चुके हैं. सो आई टेक योर लीव नाउ. मतलब मैं ब्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, बट अभी मैं जाके थोड़ा खाना वाना खाऊंगी खिलाऊंगी. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. आई विल सी यू लेटर गाइस, स्टे ट्यून्ड. Say hello to my viewers. Hello. Okay. इस साइड आ, इस साइड आ. नहीं फिसलेगी, उधर जाना, उस साइड ज्यादा बर्फ है. इसको देखो पागल को. ये चिपक जाती है यार इस पैंट में, ये देखो. ये है रानीखेत और ये है हमारा घर एंड ये है मैक्स. ऐसा हो रखा है रानीखेत में, ज्यादा बर्फ नहीं है बट हाँ बहुत है. सारे पौधे गिर गए अदरवाइज. ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ. ठीक है मैक्सी, चलो चलो दर्शकों, हम घर के अंदर आ चुके हैं. बहुत मस्ती की हमने, बहुत ठंडे बाहर. मुझे लगता है मेरे होंठ भी जम चुके हैं. क्या I can't talk right now but yeah we had so much of fun. Like just to look at the snow ना मजा ही आ रहा है. मतलब क्या बताऊँ ना, इतना सुंदर लग रहा है. पूरा बर्फ से अभी ढक चुका है. पहले ना अभी क्या हो गया था, बीच में बारिश शुरू हो गई थी. सो सारी जो बर्फ थी वो पिघल के मतलब बह गई थी या जो भी होता है वो. ठीक है, आई वाज लाइक यार ये तो मतलब मजाक हो गया. फिर अगेन स्नोफॉल स्टार्ट हो गया. अभी नाउ एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो एंड इज लुकिंग सो प्रिटी. सो मे बी अगर बर्फ बहुत ज्यादा हुई सो मे बी आई विल मेक अ स्नोमैन. आई डोंट नो, बहुत ठंड है यार, हाथ ठंडे हो जाते हैं बर्फ पकड़ने में. आई डोंट नो, मे बी नॉट. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. That's the plan for tomorrow. Let's see what happens. And yeah, guys, with that, I'm going to end this vlog. Bada chota sa, bada sa basic sa, all about snow vlog tha ye. Let me know what you think about it. Alright, do you want me to make more of such vlogs? Because aisi cheeze, I think, bahut interesting lagti hain logon ko. Mujhe bahut excite karti hain. So that is the reason why I filmed this day. And let me know if you like it. I will make more of such vlogs. And yeah, that's all for today. I shall see you in my next one. Take care. Mwah.